प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िला खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जो कि वो देंगी भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। तो बहुत जिम्मेदारी से ये बात बता रही हूँ रोहित भाई, जाकिर नायक के समर्थक, जाकिर नायक के एजेंट है भारत, है भारत। और उसकी मैं बहुत खास वजह मैं आपको बताती हूँ। नुपुर शर्मा को हमने आबाद होते हुए भी देखा और नुपुर शर्मा को हमने बर्बाद होते हुए भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रवक्ता के लिए, प्रवक्ता के तौर पर एक फायर ब्रांड महिला नेत्री, जो सामने कोई भी आता था वो खामोश हो जाता था, क्योंकि उसका जवाब कोई दे नहीं पाता था। नुपुर शर्मा इंटेलिजेंट, वोकल, अप्रोप्रिएट अपनी बातों को रखना, प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें मौलवी मुल्लाओं को चुभ रही थी कि हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे। एक स्ट्रैटेजी खेली गई और रहमानी आज भी टीवी चैनलों पर नजर आता है, लेकिन नुपुर शर्मा इस देश में 150 करोड़ की हिंदुओं की आबादी वाले, 150 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की आबादी वाले देश में आज भी नुपुर शर्मा डर से अपने घर में रहती है, क्योंकि कन्हैया के भी आरोपी को अब बेल मिल चुका है। जिसने सरपंच से जुदा का नारा लगाया था उसको भी जयपुर के कोर्ट से बेल मिल चुका है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 150 करोड़ से ऊपर के हिंदुओं की आबादी ने नुपुर शर्मा के लिए क्या किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डाल करके 150 करोड़ के हिंदू की आबादी उससे पूछ नहीं सकती थी कि आखिर नुपुर शर्मा की यह बर्बादी में हम किसका हाथ ज्यादा समझें? हम 22 करोड़ मुसलमानों का हाथ ज्यादा समझें या 150 करोड़ हिंदुओं की आबादी को हम कटघरे में खड़ा करें? आपने खा लिया खाना, आपने कमा लिया, दैट्स इट। मतलब हम बेवकूफ है जो हम इस देश में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम इस देश में लोगों को वक्फ बोर्ड के सारी पंक्तियां खोल खोल करके बता रहे हैं, हम मौलवी मुल्लाओं के सारे अश्लील हरकतों को बता रहे हैं, अखंड भारत का सपना देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, इस भूमि से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत जागरूक करवाते हैं। और आज देखिए कि पश्चिम बंगाल से लेकर के तेलंगाना से लेकर के केरला से लेकर के और दिल्ली के नोएडा से लेकर के हर जगह मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मेरी जुबान को बंद कराने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सिर्फ इसमें मौलवी मुल्ला है? नहीं, इसमें हिंदू भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं, आप जो लड़ाई लड़ रही हैं बहुत बड़ी लड़ाई है और अकेली लड़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी चीज है। अकेले लड़ना मुश्किल होता है और जान को हथेली पे रख के लड़ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब बहुत ही हिम्मत वाली बात है, बहुत करेजियस है। मैं आपकी इस चीज का हमेशा से एक फैन रहा हूं। आते हैं एक स्विट्जरलैंड में एक इस्लामिक क्लैरिक है जिसका नाम है तारिक रमदान। ये उस आदमी का पोता है, ग्रैंडसन है, जिसने इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड फाउंड की थी इजिप्ट में। इसके ऊपर रेप एलिगेशन था और उसमें इसे गिल्टी पाया गया। ये सारे के सारे वहां जाके यूरोप में, तो इसका मतलब तो ये क्लैरिटी हो रही है ना, ये वो जो वहां यूरोप के लोग बोलते हैं कि आ करके ये लोग रेप करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स करते हैं, मतलब ये और ये ऐसे क्लरिक्स जो बहुत बड़े माने जा रहे हैं उन पे ऐसे आरोप सिद्ध हो रहे हैं, क्या कहना आपका? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा था कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। कुछ दिन पहले एक लेडी इस्लामिक स्कॉलर, मैंने उसको ट्वीट भी किया था और वो भी मैंने किसी बहुत बड़े जो मीडिया है उनके ट्वीट को रिट्वीट किया है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से ट्वीट किया है, उनके ट्वीट को मैंने रिट्वीट किया है और उन महिला ने सर पे हिजाब लगा करके अपना स्टेटमेंट दिया है कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। और अब देखिए, फिर मैं बोलूंगी, फिर मुसलमानों को बुरा लगने लगेगा, फिर वो मेरे लिए FIR करने के लिए दौड़ने लगेंगे और हिंदू भी उनके साथ समर्थन देने के लिए खड़े हो जाएंगे। और कुछ ऐसे मारवाड़ी हिंदू हैं जो इस FIR करने में हम जैसे लोगों पर बड़ा मजा लेते हैं, राष्ट्र प्रेमी जो लोग होते हैं
कुछ मारवाड़ी हिंदू है जो बड़ा बड़ा मजेदारी से कैरेक्टर एसेसिनेशन भी हमारा करते हैं और एफआईआर भी करने के लिए जाते हैं। देखिए अभी आई थिंक 3 हफ्ते पहले ब्रिटेन की पुलिस ने एक 22 साल के लड़के को अरेस्ट किया था, पाकिस्तान का था, उसका नाम मोहम्मद था। उसको अरेस्ट किया और इंटेंशनली ब्रिटेन की पुलिस ने उसका वीडियो बनाया जब उससे वो कन्फ्रंटेशन कर रहे थे इंटेंशनली, और फिर उसको वायरल भी करवाया गया है और ब्रिटेन के पुलिस डिपार्टमेंट के सोशल साइट से ही वो वायरल थी। वो जब उसको अरेस्ट किया है ब्रिटेन की पुलिस, तो उसने कहा कि तुमने रेप किया है एंड दिस इज अ क्राइम। तो वो जो पाकिस्तानी लड़का है 22 साल का जो अरेस्ट हुआ है, जो एक्यूज्ड है मोहम्मद, वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे ब्रिटेन में आए हुए सिर्फ 3 महीना हुआ है, मुझे पता ही नहीं था कि 11 साल की बच्ची के साथ सेक्स करने का मतलब रेप होता है और वो इलीगल होता है, वो क्राइम होता है। इससे पहले ब्रिटेन में एक 23 साल का लड़का, आई थिंक मोहम्मद शादाब या कुछ नाम था, ब्रिटेन आप निकालिएगा ना ब्रिटेन रेप अक्यूज फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो आपको गूगल पे ही मिल जाएगा। तो उसने 3 साल की बच्ची का रेप किया था, 3 साल की बच्ची, और जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसने साफ लफ्जों में कहा कि मैं पाकिस्तान के मदरसे में पढ़ता था और मदरसे में मुझे बताया जाता था ये गैर मतलब की लड़कियों का रेप करना सवाब है। आप निकाल करके गूगल में पढ़िए, वो बजाफते कह रहा है ब्रिटेन के कोर्ट को, ब्रिटेन की पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्राइम है, हमें पता ही नहीं है कि ये इलीगल है, हमें ये बताया गया है पाकिस्तान के मदरसे में कि गैर मजहब की लड़कियों के का रेप करना मतलब सवाब, तो इसलिए मैंने किया, मुझे नहीं पता था। अच्छा अभी देखिए, मैं भारत में, मैंने मोहम्मद खैबर, आपने इतना लंबा स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान के बारे में बात किया है और वहां पर बिल्कुल स्विट्जरलैंड में ये बात बहुत दिन से उठ रही है कि भैया ये लोग आकर के रेप करते हैं। अभी देखिए ना, इराक के डिप्लोमेट ने भी यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट को बोला है कि पाकिस्तान के जितने लोग आते हैं वो यहाँ पर मोलेस्टेशन करते हैं, रेप करते हैं, ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं और यहाँ पर भीख मांगते हैं, और उन्होंने बजाफते गजट किया है पाकिस्तान की सरकार को कि आप अपने पुलिस ऑफिसर को भेजिए, एक पूरी टीम को भेजिए और उसको देख उसको बुलाई भेज करके देखिए कि आपके पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद हमारे इराक में क्या भगदड़ मचा करके रखे हुए हैं और क्या अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे हैं। ये यूएन में जमा हुआ है, ये उन्होंने मतलब इराक के डिप्लोमेट ने परेशान होकर के यूएन को बोला है कि हम परेशान हो चुके हैं पाकिस्तानी मुसलमानों से, ये रेप, मोलेस्टेशन, ड्रग्स स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, वुमेन्स ट्रैफिकिंग, इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है और कितना नशा करते हैं सब बोल रहा है। अब आती है बात कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सभी को पता है डॉक्टर बेटी के बारे में, तो उसके बाद भी 48 घंटे में 7 रेप हुआ जिसमें एक मोहम्मद खैबर ने और मोहम्मद अवेस ने माइनर बच्चियों का रेप किया। मोहम्मद खैबर ने 8 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया और मोहम्मद अवेस ने क्योंकि वो मदरसे में पढ़ाता था तो उसने मुसलमान बच्ची का ही 12 साल की बच्ची का रेप किया और उसको प्रेग्नेंट कर दिया और भाग गया। तो जब हम अरेस्ट हुए तो मैंने कहा कि भाई फांसी दे दो, फांसी की सजा दे दो, क्योंकि ममता दीदी ने एंटी रेप बिल लाया है, फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। एंटी रेप बिल में ममता बनर्जी साहब कह रही है कि भाई फांसी की सजा होगी बलात्कारियों के लिए। अब क्योंकि मैंने बलात्कारी नासिर खान के विरोध में बात किया है, क्योंकि मैंने बलात्कारी मोहम्मद खैबर के विरोध में बात किया है, क्योंकि मैंने बलात्कारी मोहम्मद ओवेस के विरोध में बात किया है, मैंने मुस्लिम बलात्कारियों के लिए इस्लामिक पनिशमेंट भी, मैंने कहा कि चलो इस्लामिक पनिशमेंट भी हम मानने को तैयार है, संवैधानिक पनिशमेंट भी मानने को तैयार है, पर मैंने मुसलमान बलात्कारियों पर बात क्यों किया, इसके लिए मेरे ऊपर सुअर का शक्ल बनाया जा रहा है, मेरे मुंह पर चप्पल मारे जा रहे हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन निकाला जा रहा है, मेरे खिलाफ पश्चिम बंगाल के हर एक थाने में, हर एक पुलिस स्टेशन में डेपुटेशन दिया जा रहा है, एफआईआर करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्यों बोला कि मोहम्मद खैबर जो है वो बलात्कारी है, उसको फांसी पड़नी चाहिए? मैंने क्यों बोला कि नासिर खान बलात्कारी है? मुझे नहीं बोलना। तो ये एक मतलब ये एक
स्ट्रैटेजी है मुसलमानों की कि वो जितने भी अश्लीलता करेंगे लेकिन उसको बोल, जो भी बोलेगा हम तुरंत बोल देंगे इसने गुस्ताखे रसूल किया, बोल करके कराएंगे और उसके बाद फिर हम उसको घर के अंदर नुपुर की तरह, नुपुर शर्मा की तरह हम उसको घर के अंदर बैठवा देंगे। ये स्ट्रैटेजी है मुसलमानों की। अब बलात्कारी का नाम अगर नासिर खान है तो मैं नासिर खान ही बोलूंगी ना, बलात्कारी का नाम अगर मोहम्मद खैबर है तो मैं मोहम्मद खैबर ही बोलूंगी ना, बलात्कारी का नाम अगर आपने जो अभी कहा कि इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान, तो हम तो यही बोलेंगे ना कि इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान स्विट्जरलैंड में वो कन्विक्टेड हो गया क्योंकि उसने रेप किया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि हाँ उसने रेप किया था, तो हम तो यही बोलेंगे ना। अब आती है बात कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुम आसाराम बापू के लिए क्यों नहीं बोलती हो, भाई 2021 में जिस लड़की ने आसाराम बापू के ऊपर, जिस बच्ची ने FIR किया था और जिसके स्टेटमेंट पर आसाराम अरेस्ट हुआ था, उस बच्ची को सम्मानित, मैंने स्प्रिंग होटल में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था तो उस बच्ची को सम्मानित मैंने जाकर के कैलकटा में किया था, TM बाईपास के पास स्प्रिंग होटल, और मुझे बोला गया था कि दीदी आपको आना पड़ेगा क्योंकि ये बच्ची एक बहुत बड़ी जंग लड़ करके और आसाराम जैसे इतने बड़े बलात्कारी को जेल की सलाखों में हवा खिला करके आ रही है, और वो आयोजन करने वाले कौन थे, वो हिंदू थे, उसके पिक्चर्स आज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे सोशल मीडिया पर हैं। तो बलात्कारी अगर आसाराम है तो मैंने बच्ची का भी समर्थन किया और उस बच्ची को भी मैंने सम्मानित किया। अब आती है बात राम रहीम, भाई उसकी हरकतों से ही पता चलता था कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, और मैंने कई नेशनल न्यूज पर कहा है कि बलात्कारियों को पेरोल नहीं मिलना चाहिए। अब चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो नासिर खान हो, चाहे वो मोहम्मद खैबर हो, चाहे वो मोहम्मद अवेस हो, और चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान हो, भाई हम तो सब, मैं तो सबके लिए बराबर बात कर रही हूँ, लेकिन तो मैं आसाराम के विरोध में बोल रही हूँ तो हिंदू नहीं आ रहा मेरा गला काटने के लिए, राम रहीम के जब मैं विरोध में बोल रही हूँ, हालांकि उसके पेरोल को भी मैं बोल रही हूँ कि पेरोल भी नहीं मिलना चाहिए, तो हिंदू नहीं आ रहा मेरा गला काटने के लिए, बल्कि और मुझे कह रहा है कि आप महिलाओं के लिए ही अपनी आवाज बुलंद करती है, लेकिन जैसे ही मैं मोहम्मद खैबर का नाम ले लेती हूँ मेरा गला काटने के लिए आ रहे हैं भैया लोग, 5-5 लाख हैंडबिल छप रहा है कि मैंने गुस्ताखे रसूल कर दिया। अरे कब कर दिया, किया कब, ब्रिटेन में मोहम्मद नाम का 23 साल का लड़का अरेस्ट हुआ है, उसने 11 साल की बच्ची का रेप किया है, वो खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि उसके पाकिस्तान में नहीं बताया गया कि 11 साल की माइनर बच्ची से फोर्सिबली सेक्स करने से आप बलात्कारी हो जाते हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कौन सा गुस्ताखे रसूल कर दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया भैया, मैं तो बलात्कारी का नाम ले रही हूँ। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है, और इस स्ट्रैटेजी से ये राष्ट्रवाद लोगों को संवैधानिक लोगों का जुबान बंद करवाते हैं, और इसमें सब मुसलमान नहीं होते हैं, इसमें खर्च करने वाला मारवाड़ी हिंदू होता है, और 2-3 ऐसे नाम हैं जो मैंने IB को भेजा है मारवाड़ी हिंदुओं का और बिहारी हिंदू का, 2-3 नाम मैंने भेजा है, और एक उसमें महिला भी है जो दिल्ली में रहती है, हिंदू है, मैंने तीन नाम मैंने IB को भेजा है, और A to Z सारे इन्वेस्टिगेशन मैं करवाऊंगी, और ये मामला लेकर के नहीं होगा तो मैं सर्वोच्च न्यायपालिका जाऊंगी, क्योंकि मैं नूपुर शर्मा की तरह अपनी जुबान को बंद करके घर पे नहीं बैठने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि इस देश का 150 करोड़ हिंदू मेरे समर्थन में शायद नहीं खड़ा होगा, शायद 1,000 खड़े होंगे, शायद 2,000 खड़े होंगे, 150 करोड़ खड़ा होगा मैं जानती हूँ, लेकिन मैं लीगल वे से जाऊंगी और मैं अपनी जुबान नहीं बंद करूंगी। बलात्कार कोई भी करेगा मैं उस पर बोलूंगी, इस्लामिक स्कॉलर भी अगर बलात्कार करेगा तो मैं उस पर बोलूंगी। बिल्कुल सही। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने बात की नूपुर शर्मा के बारे में, वही भारतीय शेरनी जिसके एक बयान ने उनकी खुद की पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे नाज़िया खान जी ने कहा कि उन्होंने नूपुर शर्मा को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा है, और वही हाल आजकल नाज़िया लाई खान जी का हो रहा है, जिनको चारों तरफ से खासकर इन मुल्ला मौलवियों की तरफ से धमकी आ रही है जान से मारने की और बलात्कार की, क्योंकि नाज़िया लाई खान जी हमेशा सच का साथ देती है और इनके झूठ से पर्दा उठाती है। पर एक बहुत ही अहम सवाल नाज़िया लाई खान जी ने पूछा कि क्या हिंदू उनका साथ देंगे, वो हिंदू जिन्होंने नूपुर शर्मा के केस में एकदम चुप्पी साथ दी, नूपुर शर्मा के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्या वही हिंदू अब नाज़िया खान जी को सपोर्ट करेंगे और उनके लिए आवाज उठाएंगे। अगर आप नाज़िया खान जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उनकी आवाज
हर एक कोने तक पहुंचाएं। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।